हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश सिंप्लीफाइड एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर है हमारा सेकंड, क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो आज हम इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजर्डस एक्सपीरियंसेस वेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। कि जब हम मौत के आमने सामने होते हैं तो उस वक्त जो हमें खतरनाक एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि खतरनाक अनुभव होते हैं, तो उनसे हम क्या लेसन सीखते हैं। तो आंसर है, वेन वी कम फेस टू फेस विद डेथ, कि जब हम मौत के बिल्कुल सामने होते हैं, वी हैव सम डेंजरस एक्सपीरियंसेस एंड फ्रॉम विच वी लर्न अलॉट। हम लोगों को बड़े ही खतरनाक कुछ अनुभव होते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक ऐसा अनुभव है जिसको कि हम उसी वक्त सीख पाते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरीज दैट एवरीथिंग इज़ गुड इन लाइफ। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा ही हो। वी शुड फेस हैजर्डस विद आवर पेशेंस इन आवर डिफ़िकल्ट टाइम्स। हम लोगों को जब भी हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट टाइम होता है तो हमें इन मुश्किलों का सामना हमेशा बहुत ही पेशेंस के साथ करना चाहिए। दिस शोज आवर करेक्टर, हाउ वी फेस दोज डिफ़िकल्टीज एंड ओवरकम दैम। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे करेक्टर को शो करती हैं कि हम किस टाइप के व्यक्ति हैं और हम किस तरीके से उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं और किस तरीके से हम उनसे बाहर निकलते हैं। The hazardous experiences bring out the best in us। जो ये खतरनाक अनुभव हम लोगों के लाइफ में आते हैं, ये हमारे लिए अच्छे ही साबित होते हैं। Coward persons die many times before their death। और जो कि कायर लोग होते हैं, वो अपने मरने से पहले ही कई बार मर जाते हैं, क्योंकि वो इन खतरों का सामना करने नहीं जानते और वो डर के मारे ही हर स्टेप पर ऑलमोस्ट मरते ही रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अ टिमिड पर्सन लॉसेस द वॉर इवन बिफोर ही फाइट्स। और एक जो डरपोक व्यक्ति होता है, वो लड़ाई लड़ने से पहले ही अपनी लड़ाई को हार जाता है। दोज हु डू नॉट फेस डिफ़िकल्टीज विद करेज दे आर नेवर एबल टू सक्सीड इन लाइफ। और जो व्यक्ति अपने मुश्किल समय को कभी भी अपने साहस के साथ जो फेस नहीं करता, वो कभी भी अपने लाइफ में सफल नहीं हो सकता। ब्रेव ह्यूमन बींग्स नॉट ओनली फेस डेंजरस डेंजर्स विद देयर करेज एंड विजडम। जो बहादुर लोग होते हैं, वो इन खतरनाक खतरों का सामना अपनी बहादुरी से और अपनी बुद्धिमानी से करते हैं, बट ऑल्सो लर्न लेसन फ्रॉम देम। बल्कि इसके साथ साथ वो इनसे कुछ सीख भी लेते हैं। बैड सर्कमस्टांसेस गिव अस द मोटिवेशन टू मूव फॉरवर्ड लाइफ एंड फाइट। और जो बुरी परिस्थितियाँ होती हैं, वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए और उसके साथ साथ खतरों का सामना करते हुए उनसे लड़ने के लिए। द पीपल हु विन बाई फाइटिंग द रोस्ट सिचुएशन बिकम द कॉज ऑफ इंस्पायरेशंस फॉर अदर पीपल। जो लोग अपनी रोस्ट सिचुएशन में लड़ते हैं, वो दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा के कारण बन जाते हैं। अदर पीपल आर मोटिवेटेड बाई दिस पीपल एंड कंसीडर दिस पीपल एज देयर रोल मॉडल्स। और जो दूसरे लोग हैं, वो इन लोगों से प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं और उनको अपने एक आदर्श की तरह मानना शुरू कर देते हैं। एक आइडियल पर्सन की तरह वो उन्हें एक रोल मॉडल्स की तरह मानना शुरू कर देते हैं और सीख लेते हैं कि देखो, उन लोगों ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी सफलता को अचीव किया। तो इस तरीके से जो लोग लड़ते हैं, सामना करते हैं, वो दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।